सब्सक्राइब करें न्यूज 89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद। वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने भाजपा उम्मीदवार स्वर्ण सलारिया के गांव किया चुनाव प्रचार। किसान कर्ज माफी पर बोले, 2 लाख तक की कर्जा माफी कर सरकार द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन। लोकसभा चुनाव के चलते सभी राजनीतिक दल हलके में अपने अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते कांग्रेस के उम्मीदवार सुनील जाखड़ के चुनाव प्रचार के लिए पंजाब के वित्त मंत्री सरदार मनप्रीत सिंह बादल हलका भुआ पहुँचे, जहाँ उन्होंने भाजपा उम्मीदवार स्वर्ण सलारिया के गाँव चौहान में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने सुच्चा सिंह लंगा पर दर्ज हुए मामले पर बोलते हुए कहा कि कानून सबके लिए एक जैसा है। किसान आत्महत्या पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब भाजपा सरकार पर बेबुनियाद इल्जाम लगा रही है। सरकार द्वारा किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ किया जा रहा है, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। उन्होंने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अगर भाजपा को किसानों की इतनी चिंता है तो सेंटर में भाजपा की सरकार है। अगर भाजपा का आला नेता चाहे तो प्रधानमंत्री से मिलकर किसानों को राहत दिलवा सकता है। सब मैनू तो इलम नहीं है कि परचा होया है, पर ये जिहड़ा देश है, इस देश का एक आइन है, एक देश का एक संविधान है, और इस कानून के मुताबिक जे कोई कानून की बेअदबी करता है तो फिर उन्हें कानून के शिकंजे च आ जाता है। और कानून जिहड़ा है वो अमीर गरीब की छोटे वड्डे की कोई तमीज़ नहीं करता। सब नोटबंदी तो जी GST नाफिस हुई है और एक साल के विच हुई है, ये कारोबार तो व्यापार में बहुत वड्डा झटका वज्जा है। ये छोटा कारोबारी बड़ा मुतासर होया है और ये करोड़ों जिहड़ियां रुजगार के मौके से, क्योंकि सब तो वड्डा जिहड़ा जिथे रुजगार मिलता है वो कंस्ट्रक्शन का, वो कंस्ट्रक्शन बिल्कुल खत्म हो गई है। दूसरा सी टैक्सटाइल जिहड़ा कपड़े का व्यापार है वो बड़ा मुतासर होया है। तो एक साल के जिहड़ा है वो इन्ने क लोग मतलब मोदी जी दियां इन्हां नीतियां तो बदजन हो गए है, इत्थों तक कि मोदी जी का दोबारा इलेक्शन जितना ये तो सवालिया निशान लग चुका है। साहब मैं अर्ज करूँगा कि 10 साल भाजपा की सरकार पंजाब च रही है, जे वो इस गल नूं इन्नी शिद्दत ना महसूस करते तो उन्होंने ये 10 साल के दरम्यान कर देना चाहिए सी। और मैं थोड़े सुनने वालों ये भी याद करा जावा कि जे भाजपा इन्नी शिद्दत ना महसूस हो रहा है तो अच्छ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जी है वह भी तो भाजपा की है, हरसिमरत कौर बादल भी तो उस कैबीना की मैंबर है, और जोड़े किसान है कल पंजाब के नहीं हिंदुस्तान के भी किसान है, इन्हों कर देना चाहिए सी। मैं थोड़े सुनने वालों ये भी याद करा जावा कि 4 होर सूबे है जिथे कर्ज़ माफ़ी का ऐलान होया, राजस्थान है जिथे भाजपा की सरकार है सिर्फ 50,000 रुपया उन्होंने माफ़ किया, महाराष्ट्र है जिथे भाजपा की सरकार है 1 लाख किया, UP है जिथे भाजपा की सरकार है 1 लाख किया। हालांकि पंजाब की हैसियत तो औकात नहीं है एड्डी वड्डी, साडा बजट एड्डा वड्डा नहीं है, साढ़े को उस किस्म का इंडस्ट्रियल बेस नहीं है, बावजूद इसके कैप्टन साहब ने 2 लाख के कर्जा माफ़ी का ऐलान किया है, जिदा कि नोटिफिकेशन हो चुका है। कैप्टन साहब की तो कांग्रेस सरकार की नीयत से कोशिश से काविश से कदे शक नहीं करना। पठानकोट से धर्मिंदर ठाकुर की रिपोर्ट न्यूज 89। सब्सक्राइब करें न्यूज 89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद।